असलकुम ये कहानी मेरी अपनी है और काफ़ी पुरानी है ये तब की बात है जब मैं मेरे ख़्याल से दो साल की थी और आ, कुछ मेमोरीज़ आपकी ऐसी होती हैं जो आपको मुसलसल याद रहती हैं क्योंकि बहुत अर्ली मेमोरीज़ होती हैं मैं आ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं अपना Uh, मेरे फादर मेरे अबू एक um, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं थे अब गुजर गए और uh, मेरा ताल्लुक़ कराची से ही है तो अब दो ही बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं कराची शहर में बैक इन द एटीज़ एंड नाइन्टीज़ दो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी इंजीनियरिंग uh, की उसमें से एक यूनिवर्सिटी में मेरे फादर मेरे अबू बीसी होते थे तो आ, कुछ ऐसा है कि जो आपका ग्रेड होता है यूनिवर्सिटी यु, यु, में उस हिसाब से ही आपको आ, घर दिए जाते हैं स्टाफ कॉलोनी में राइट तो हमारा घर आ, सबसे बड़ा था पूरे कॉलोनी में सबसे बड़ा घर हमारा था क्योंकि मेरे अबू बहुत बड़ी पोस्ट पे थे Uh, सबसे पहली मेमोरी मेरी ये है कि मैं uh, तकरीबन दो साल की थी जो मेरी अम्मी बताती हैं और मैं वॉकर में होती थी तो वॉकर में जब बच्चा बहुत तेज़ी से कॉरिडोर्स में घूम रहा होता है और इस तरह की मेरी कुछ मेमोरीज़ हैं कि मैं घर बहुत बड़ा था हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा तो बहुत स्पेस था मेरे पास तो मेरी पहली मेमोरी ये है कि मैं वॉकर में एक बहुत लंबा हमारा कॉरिडोर होता था और राइट साइड पे पूरी ग्रिल लगी हुई थी और ग्रिल के बाहर सहन पूरा नज़र आता था तो आ, वो कॉरिडोर क्रॉस करते थे जब तो बिल्कुल स्ट्रेट हमारा एक कमरा होता था जिसमें टीवी वगैरह ये सारी चीज़ें नॉर्मल बेडरूम टाइप सो आई रिमेंबर कि मैं बहुत फास्ट उस कॉरिडोर में गई और आ, मैंने जब अपने आ, जब मैं उस कॉरिडोर में उस रूम में पहुँची तो आ, एक हमारा डबल बेड होता था उस डबल बेड कि मैं एक साइड पे थी और जो दूसरी साइड होती है वहाँ पे एक छोटी सी दीवार थी और दीवार के पीछे एक हॉलो सा स्पेस था जैसे एक छोटा सा जिसमें एक बंदा फिट आ सकता था और उसके राइट साइड पे फिर दो बड़े बड़े कबर्ट्स थे तो आई लव स्टैंडिंग मैं जब बेड के बिल्कुल एक बिल्कुल अलग साइड पे थी लेफ़्ट पर थी और मैंने देखा कि राइट पर उस दीवार के पीछे से एक औरत निकली फ्लोट करती हुई उसके पैर नहीं थे और वो फ्लोट करती भी फ्रंट में आ गई आ, लेकिन मुझसे बहुत दूर थी क्योंकि बेड के बिल्कुल दूसरी साइड पे थी और उससे मुझे देख के स्माइल किया अच्छा औरत कुछ होमलेस जैसे लोग होते आ, बहुत छोटे बाल थे उसके कपड़े बिल्कुल फ्लोई थे आ, लेकिन शक्ल उसकी अच्छी नहीं थी इसलिए मेरी मेमोरी में अभी तक वो बिल्कुल इन्ग्रेवड है उसकी शकल और उसकी स्माइल मैं बहुत छोटी थी मैंने उसको देखा उसने मुझे देखा उसने मुझे देख के स्माइल किया और उसी तरह से वो फ्लोट करती हुई उस दीवार के पीछे जहाँ से आई थी उसी दीवार के पीछे चली गई ये मेरी सबसे पहला इंटरेक्शन ये है मेरा उसके बाद इवेंचुअली उसके बाद कोई मुझे इंटरेक्शन ऐसा याद नहीं है लेकिन ये चीज़ इतनी रियल है मेरे लिए कि ये सारी ज़िंदगी के लिए मेरे माइंड में इन्ग्रेवड है उसकी शक्ल और मुझे ये सब कुछ याद है इवेंचुअली आई ग्रो अप और uh, मेरे बहन भाई कॉलेज uh, में थे आई थिंक मेरी बहन स्कूल मामा में थी भाई बी में था और मैं सबसे छोटी थी uh, फिर बहन यूनी में चली गई uh, भाई का कॉलेज शुरू हुआ इवेंचुअली इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ मुझे फिर ओके नाउ इट अगेन व्हेन आई टर्न्ड आई टेल यू आई थिंक आई वाज एट एट इयर्स ओल्ड नाइन आठ नौ साल की उम्र थी मेरी और वही घर वही सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था सब नॉर्मल था एक दिन मैं बस सुबह बहुत जल्दी मैं उठती थी और मेरी अम्मी जो थी वो आ, थोड़ा सा लेट उठती थी मुझसे कुछ ऐसा सिस्टम बन गया था कि मैं खुद ही अलार्म लगा के सुबह उठ जाती थी और अपने कपड़े आयरन वगैरह कर रही होती थी और क्योंकि मेरी स्कूल बस होती थी हमारी स्टाफ कॉलोनी की एक स्कूल बस होती थी जो सेवन ओ क्लाक निकलती थी अब इट्स रात स्ट्रेंज मेरे ख्याल से ये फैमिली का भी ये बड़ा अजीब सा सिस्टम है कि माँ बाप सो रहे हैं और एक बहुत छोटा बच्चा उठ के स्त्रियाँ कर रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं तो, तो दैट्स वीट लेकिन दैट्स हाउ इट वॉज बहन भाई यूनिवर्सिटी चले जाते थे आई थिंक नहीं स्कूल चले जाते थे या कॉलेज जाते थे उस जमाने में कॉलेज जाते होंगे और मुझ में मेरे भाई में और बहन में बहुत फ़र्क है बड़ा भाई मुझसे सात आठ साल बड़ा था तो हमेशा छः बजे उठकर उनको रेडी वेडी करने के बाद फिर uh, सो जाया करती थी और uh, मेरा स्नैक बना के डाइनिंग टेबल पर रख देती थी सो आई यूज टू गेट अप बाई सिक्स नहीं मे बी सिक्स थर्टी जब बहन भाई निकल जाते थे घर से चले जाते थे वो और मेरी बस आती थी कोई सवा सात बजे तो मैं उठ के अपना आयरन वायरन कर रही होती थी सो दिस टाइम आई रिमेंबर आई वॉज़ एट नाइन ईयर्स ओल्ड एंड आई वॉज प्रॉब्ली इन ग्रेड कंट रिली टेल मे बी थ्री फोर कुछ ऐसा था तो आयरन करते घर बहुत बड़ा था तो मेरा आयरन वाला रूम वही वही था जहाँ पे मैंने उस औरत को देखा था लेकिन बाय दैट टाइम उस इतनी मेमोरी मेरी नहीं थी कि मैंने उसको देखा था मतलब आई हैड मूव्ड ऑन सो आई वाज आयरनिंग मैं अपने कपड़े आयरन कर रही हूँ और मुझे बहुत दूर जो हमारे घर का मेन दरवाज़ा होता था उस जमाने में पुराने ज़माने के जो लॉक्स होते थे वो ऐसे होते थे कि आप हैंडल को उठा के दोबारा लगाते थे डोर से नीचे एक स्टील का हैंडल होता था तो वो बहुत आवाज़ करता था इफ़ यू वांट टू एंटर समबडीज़ हाउस दिस लाइक इन ओल्ड हॉर मूवीज़ में भी ऐसे डोर्स होते हैं नॉब्स होते हैं जिसको आप नॉक करते हैं एक साइड uh, से आयरन का तो बहुत ज़ोर से घर में आवाज़ आती है जैसे कोई बहुत बड़ा कोई नॉक कर रहा है तो काफ़ी एको होता था हमारे घर में क्योंकि सामान कम था एनी anyway, सो so, uh, मुझे आवाज़ आई कि बहुत ज़ोर से किसी ने दरवाज़ा बजाया है उस ज़माने में बेल का सिस्टम नहीं था तो मैं थोड़ा चौकी कि ये साढ़े छः पौने सात बजे कौन आया है मैं गई बाहर मैंने दरवाज़ा खोल के देखा कोई भी नहीं था दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया अभी मैं क्रॉस करके ड्राइंग ड्राइंग रूम से हमारा दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था क्रॉस करके डाइनिंग रूम में आई दोबारा दरवाज़ा बजा और बहुत ज़ोर से बजा मैं फिर गई फिर मैंने दरवाज़ा खोला कोई भी नहीं था अच्छा दरवाजे के लेफ्ट साइड पे मेरे भाई का कमरा था और uh, मैंने वो खोल के देखा वहाँ पे भाई भी नहीं था कोई नहीं था मतलब इट वॉज़ रियली स्ट्रेंज एनी वे आई वेंट टू स्कूल आई डेंट थिंक अबाउट इट माच आई वॉज लाइक मे बी समी आई ऑनेस्टली डेंट थिंक अबाउट इट मैं बहुत छोटी थी स्कूल चली गई वापस आई um, सो गई नॉर्मल जैसे बच्चे का दिन गुजरता है होमवर्क वोमवर्क करके आई वेंट टू स्लीप सो दैट नाइट आई रिमेंबर द फर्स्ट नाइट आव वो कप मेरी आँख खुली जैसे मेरे स्कूल के जूते पहन के कोई घर में घूम रहा है और क्योंकि मुझे अपने जूतों की आवाज़ पता थी आ, सब आहट पहचानते हैं अपने अपने शूज़ की एनीवे anyway, सो so मुझे लगा मेरे ही स्कूल के जूते पहनकर कोई कॉरिडोर में घूम रहा है और मेरे कमरे के अंदर घूम रहा है अच्छा पापा का कमरा अलग होता था मम्मा भी आई थिंक हाँ पापा मम्मा का कमरा एक था बहन भाई एक कमरे में सोते थे नहीं भाई का कमरा आ, हम तीनों अजीब सी बात है ये भी बड़ी अजीब है बहुत बड़े घर में तीनों बेडरूम्स अलग थे बच्चों के एनी वे सो समबडी वॉज वॉकिंग इन द हाउस कोई बहुत ही क्लियरली बहुत ज़ोर जोर से घर में वॉक कर रहा था और मैं बिल्कुल बिल्कुल फुल जाग गई थी और मैं बहुत छोटी थी लेकिन बिल्कुल जाग के मैं उठ के बेड पे बैठ गई कमरा बिल्कुल अंधेरा था बाहर भी कोई लाइट वाइट नहीं जल रही थी मैं उठी मैंने आके लाइट ऑन की और मैंने आ, चेक किया पूरा अपना कमरा एंड देर नो साउंड रुक गई मैंने लाइट ऑफ की मैं फिर लेट गई अब uh, दोबारा से चलना शुरू हुआ कोई और अब वो सिर्फ मेरे कमरे में घूम रहा था लग तो मुझे अजीब ला रहा था बट आई डेंट रियक्ट टू इट मच आई वेंट टू स्कूल आई वॉज अल डिस्टर्ब थोड़े परेशान थी मैं अगले दिन uh, हाँ अगले दिन एंटर हुई घर में इसी तरह से एक हफ़्ते में इस रातों को ये बहुत रूटीन हो गया सारी रात मैं जागती थी और सारी रात कोई मेरे कमरे में चलता रहता था और पूरे घर में घूमता रहता था और अजीब बात यह है कि घर में से किसी को भी वो आवाज़ नहीं आती थी और सिर्फ मैं सुन रही होती थी वो आवाज़ उसका बेसिक एक टाइम होता था जैसे फजर की अजान होती थी तो आवाज़ इवेंचुअली ग़ायब हो जाती थी अच्छा कुछ टाइम गुजरा गुजरा तो uh, मैंने uh, एक uh, चीज़ महसूस करना शुरू की कि घर में भी वन एवर आई वॉज वॉकिंग अराउंड और जैसी रेगुलर रूटीन में घर चल रहा है और चीज़ें चल रही हैं मेरी उसमें मुसलसल कोई मुझे कोई मुझे मुसलसल फ़ॉलो करता रहता था बिल्कुल मेरी बिल्कुल मेरे से चिपक के और वो मुझे महसूस कैसे होता था मुसलसल मेरे कान में कोई ना कोई बोलता रहता था और वो विस्पर्स की आवाज़ थी आ, जैसे कोई मुसलसल विस्फा कर रहा होता था और बिल्कुल मे उसकी सांस मेरी नेक के ऊपर आ रही होती थी और कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपनी अम्मी को बताया और मेरी अम्मी को कुछ यकीन नहीं आया इस बात का उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा वहम है दम करके फूक के सुला दिया कुछ भी और फिर ये इतना इंटेंस हो गया सब कुछ कि मैं जहाँ भी होती थी वो प्रेजेंस बिल्कुल मेरे साथ चिपक के चलती रहती थी मुसलसल यूं ही टाइम गुजरता रहा मुसलसल वो प्रेजेंस मेरे साथ ही चलती थी सारी रात वो आप कह सकते हैं कि मुझे हॉन्ट करना मैंने अपना सेल्फ मैकेनिज्म कुछ ऐसे सेट कर लिया था कि मैंने उसको कभी भी ये नहीं फील होने दिया कि मुझे पता है कि तुम यहाँ हो आई डिड नॉट स्क्रीम आई डिड नॉट कॉल आउट फॉर हेल्प I did not do anything. थिंग आई मैंने सिर्फ अपने पेरेंट्स से बात की उनको समझ नहीं आई मेरे अब्बा थोड़े इन चीज़ों में मतलब नमाजी वमाजी तो थे लेकिन इन चीज़ों में उनका इतना बिलीव नहीं था तो उन्होंने इतना नहीं उनका क्या देखती रहती हो पढ़ती रहती हो पता नहीं क्या देख लिया तुमने इस तरह की बातें करके उन्होंने घुमा दी उड़ा दी मम्मा को थोड़ा यकीन आया लेकिन वो उस वक्त इस सिचुएशन में थी कि उनको वो समझ नहीं पा रही थी मैं मैं किस क्राइसिस से गुज़र रही हूँ सो इट ऑनेस्टली इट वॉजन टेकन सीरियसली खैर यू ही दिन गुजरते रहे इवेंचुअली ऐसा होने लगा कि uh, अगर मैं वॉशरूम में हूँ या uh, मैं शावर कर रही हूँ या uh, कुछ इस तरह का है तो कमरे में मुसलसल कोई घूमता रहता था या, अगर मैंने मुंह धोया आ, ब्रश किया मुंह धोया और सर उठाया तो एक गश ऑफ विंड मुझे बहुत जोर से लग के बाहर चला जाता था सो इट यूज टू बी विथ मी यू कैन से ट्वेंटी फोर सेवन एंड आई टेल यू इट वॉज़ टेरीफाइंग लेकिन अल्लाह ने शायद कुछ हिम्मत ऐसी दी अल्लाह ने कुछ आई डोंट नो ऐसी नर्व्स मेरी इतनी स्टील की कर दी थी कि मैंने उसको कभी भी ये नहीं महसूस होने दिया दैट आई नो योर हेयर फिर ये होने लगा कि मेरी लेग्स के ऊपर मेरी लेग्स पे, स्पेशली मेरे थाईस पे और मेरी लेग्स पे आ, बहुत बड़े बड़े बाइट मार्क्स जैसे किसी इंसान ने काटा हो बहुत ज़ोर से तो दैट यूज़ टू बी वेरी स्ट्रेंज फॉर मी कि मुझे कोई काट तो नहीं सकता और अगर मतलब बड़ी अजीब सी बात है अब भी अब मैं सोचती हूँ कि वो क्या टाइम था और मैंने कैसे गुजारा तो वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि मेरे आ, पूरी बॉडी पे नहीं सिर्फ लोअर लेग्स में थाइस के अंदर पीछे आगे पीछे हर जगह बहुत बड़े बड़े बाइट मार्क्स होते थे जिस तरह बच्चा किसी बच्च, दूसरे बच्चे को का काटता है इवेंचुअली जब बच्चे लड़ते हैं और काटता है तो उसका पूरा एक मार्क रह जाता था लेकिन मेरे मार्क्स इतने डीप होते थे कि ग्रीन ब्लू येलो हो जाते थे और वीक्स तक रहते थे और क्या आप टच करें तो दर्द हो लेकिन कब हुए मुझे कब लगे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता और न, ना मुझे कभी एहसास हुआ सो so, इवेंचुअली ये मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से ये इतनी लंबी स्टोरी को समराइज करूँ बट आई ट्राई टू डू एट फॉर यू कुछ ऐसा हुआ कि ये मेरी उम्र थी कोई आठ नौ साल तब से शुरू हुआ और ये चीज़ चलती रही कोई मेरी शायद एज हो गई थी सेवनटीन एटीन तक तो आप कह सकते हैं कि मेरा बचपन बेसिकली एक एंटिटी के साथ लड़ते हुए ही गुज़र गया जिस वक्त मैं घर से बाहर होती थी मैं साइकिलिंग करती थी सारा दिन मोहल्ले में स्कूल से आने के बाद बस आई यूज टू बी आउटसाइड साइड माई हाउस एंड आई वुड साइकिल द होल मोहल्ला एवरी डे मतलब दवर्स एन आवर्स एंड आवर्स उसके बाद मुझे ये पता होता था कि मैंने घर जाना है और जैसे ही मैंने एंटर होना है पूरा सब कुछ शुरू हो जाना है फिर ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग किस्म की बू आने लगी मुझे कभी आ, कभी भी मुझे रॉटन फ्लैश की बू नहीं आई जिस तरह लोग कहते हैं जो मैंने बहुत बाद में पढ़ा क्योंकि उस वक्त तो इंटरनेट कुछ भी नहीं था आ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा जैसे चीप परफ्यूम्स होते हैं जो शदीद चीप परफ्यूम्स होते हैं उसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशबुएँ आने लगी तब मुझे बहुत अलार्मिंग लगा क्योंकि इतनी एक्सट्रीम तक बात बात जा चुकी थी कि मैं अगर किसी जगह जाके बैठ जाती थी तो मेरे साथ आके लाइक आई सेड द एंटिटी यूज टू बी लाइक अ चुइंगम टू मी तो वो वो भी आके मेरे साथ बैठ जाता था यहाँ बैठ जाती थी और जो वो बैठ जो भी था वो जब बैठते था तो मेरे साथ वाली जगह लिटरली धस जाती थी और मुझे महसूस होता है जैसे आपके साथ कोई चिपक के बैठ जाता है तो आपको महसूस होता है कि कोई चिपक के बैठा हुआ है यू you नो know? तो वो वाली फीलिंग आती थी और मैं चुपचाप वहाँ से उठ के चली जाती थी सो माई माई सेल्फ डिफेंस वॉज आई नेवर एवर एवर एक्नोलेज आई नेवर गिव इट दैट अटेंशन बिकॉज आई न्यू इन माई ब्रेन एंड माई हार्ट दैट आई वॉज अ लोन इन दिस होल सिनारी बैटल आई हैड टू है ल लोन इवेंचुअली पप्पा ने जब इंटेंस होने लगी चीज़ें तो मैंने पप्पा को दो तीन दफा कहा कि पापा ये प्रॉब्लम है मेरे साथ पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए डॉक्टर ने कहा कितनी रातें नहीं सोई मैंने कहा मैं चार पाँच रातें नहीं सोई उसको यकीन ही नहीं आए ना रात सोई सुई हूं, ना दिन सोई सूँ खैर एवेंचुअली उसने मुझे बहुत छोटी थी मैं मतलब आई थिंक आई मस्ट बी फोटीन बाई दिस टाइम फिफ्टीन तो वो मुझे आधी आधी करके स्लीपिंग पिल्स से लोग देते थे लेकिन वो भी इट नवर वर्क एनी वे फिर पापा को थोड़ा सा तरस आया मुझ पर उन्होंने कहा कुछ होगा जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं यकीन उनको तब भी नहीं था लेकिन उन्होंने मेरी तसली के लिए जो हमारे मोहल्ले के मस्जिद होती थी उसकी एक मौलवी साहब और दो तीन लोगों को बुला लिया वो आई उन्होंने कहा हाँ भाई क्या होता है तो मैंने बता दिया उन्हें क्या होता है और उन्होंने मुझे उन्होंने पूरा घर घुमा और एंड में ही जस्ट लेफ्ट एंड माई डोल मी कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि कुछ भी नहीं है और घर बिल्कुल ठीक है हाँ कुछ भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एंड लाइक like, कि ये कैसे हो सकता है जब मेरी सफरिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है और मतलब उन्होंने एक दो चीज़ें बताई कि तीन कुल पढ़ें आप और एक हिसार करके सो जाएं तो ऑनेस्टली वो मैंने किया और वो एक हद तक काम किया बट इट डिड नॉट सेव मी अगेन अल्लाह का कलाम है लेकिन वो प्रोटेक्शन नहीं मिल सकी मुझे आई डों नो इसमें क्या अल्लाह की विजडम है जो भी है खैर टू मेक इट शॉर्ट ये सिलसिला चलता रहा इतना चलता रहा कि लाइक ए सेट कि uh, अच्छा फिर ऐसा होने लगा कि मैं जहाँ भी जाती थी अगर मैं अपनी खाला के घर चली गई हूँ रहने या मामू के घर चली गई हूँ तो वो रात वहाँ पे भी मेरी ऐसी गुजरती थी लाइक आई रिमेंबर मेरी खाला uh, मैं हूँगी आई थिंक सिक्सटीन सेवेंटीन नॉट नॉट ओली सेवनटीन फिफ्टीन सिक्सटीन की तो मेरी खाला हम uh, यूनिवर्सिटी रोड साइड पर रहते थे और मेरी खाला गुलशन साइड पर कहीं शिफ्ट हुई थी तारिक रोड से तो आई थिंक शी कॉल्ड मी फॉर समथिंग आई डोंट नो खैर मैं मैं उस रात वहाँ रही सो गई मैं और uh, जब सडनली मेरी रात को खुली तो शावर चला हुआ था जिस रूम में मैं सो रही थी मेरी खाला शुक्र है मेरे साथ ही सोनी थी और वो बहुत नमाजी और पढ़ने वाली औरत थी खैर वो सो रही थी तो शावर चल रहा था इन द मिडल ऑफ द नाइट Anyway, so I woke up, but I didn't like get up and एंड down. I was still in bed and because बिकॉज मुझे पता था मुझे सब कुछ फील हो जाता है आज तक तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल कि शावर चल रहा है मैंने आके वहाँ के अपनी बंद रखी ऑपरटेंड करती रही मैं सो रही हूँ एवेंचुअली शावर बंद हुआ दरवाज़ा खुला वॉशरूम का दरवाज़ा खुला वॉशरूम का दरवाज़ा बंद हुआ वॉशरूम का, का कोई निकला और बाहर गया और बाहर जाके उसने टीवी ऑन कर दिया अब टीवी चल रहा है उसके ऊपर सीएनएन आता था उस ज़माने में बिकॉज नया नया सीएनएन और एनटीएम और ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी तो सीएनएन चल रहा था उस टीवी पे और यू वोट बिलीव कि सिनारी क्या था मेरी आँख क्यों खुली थी एक्चुअली आँख इसलिए खुली थी क्योंकि लाइट चली गई थी और गर्मियों के दिन थे अब वो जो कुछ था वो निकला था वॉशरूम से और उसने मेरी अटेंशन ग्रैप करने के लिए आई थिंक शावर खोला था आई डोंट नो क्या था वो खैर उसने जाके टीवी ऑन किया विदाउट इलेक्ट्रिसिटी द टीवी वाज वर्किंग मैंने एक आँख खोल के देखा और बंद कर ली अपनी आँखें मैंने क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि क्या सीन है टी बंद हुआ उसने वही वॉकिंग शुरू कर दी मेरे रूम में और मेरी खाला के रूम में अब वो वॉक किया जा रहा है और मुसलसल बेड के अराउंड वॉक कर रहा है वॉक कर रहा है और द मोमेंट इट केम रियली क्लोज टू मी आई कुड सेंस इट उसी वक्त इतफाक़ से मेरी खाला की आँख खुल गई और वो जाग गई उन्होंने कहा कोई चल रहा है तो मैं मुझमें हिम्मत आई मैंने कहा नहीं खाला कुछ भी नहीं है सो है कुछ भी नहीं है और उन्होंने कहा नहीं 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 मुझे आवाज़ आई है कि कोई चल रहा है कौन है खालिद है उनका बेटा होता था उन्होंने तो कहा खालिद है कौन है मैंने कहा नहीं कोई भी नहीं है अब uh, मैं उन्हें क्या बताती <laughs> वो बेचारी मुझसे डर जाती हैं खैर इवेंचुअली हुआ ये कि अजान हो गई फजर हो गई और वो उठ के नमाज वमाज़ पढ़ने लगी तो फिर थोड़ी सुकून से मैं सो गई एनी anyway, ये एक इंसिडेंट था जो उस वक्त हुआ एक दफ़ा मेरा भाई uh, अब उसकी डेथ हो चुकी है बहुत ट्रैजिक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई थी अभी टू थाउजेंड सिक्स सेवेंटीन में वेन ही वॉज अ किड लाइक ही वॉज अ टीन एजर आई थिंक पंद्रह सोलह साल का होगा uh, तो एक दफ़ा मेरी मम्मा उठी रात को और किचन में गई फॉर समथिंग आई डोंट नो अच्छा ये मतलब मेरी मम्मी ने बताया था ये फिर सुबह उठ के और वो किचन में गई तो मेरा भाई किचन में खड़ा था uh, माचिस लेके और उसके हाथ में माचिस जल रही थी और uh, मम्मा ने उसे कहा तुम क्या कर रहे हो रात को दो बजे माचिस लेके तो उसने बहुत झड़क के ममा को कहा क्यों मैं खाना नहीं बना सकता मुझे खाना खाना है कुछ ऐसी चीज़ उन्होंने कहा मम्मा ने कहा ये स्लिप वॉक कर रहा है इसको ले गई जाके बेड में सुला दिया सो गया फिर एक और दफ़ा मेरे भाई के साथ एक और इंसिडेंट हुआ जो अब मैं सोचती हूँ तो बहुत मुझे डर लगता है और ये सोच के बड़ी अजीब सी बात है कि ये हुआ और किसी को समझ नहीं आई ये बात कि एक सुबह पप्पा उठे और वो बहुत परेशान थे और उनकी आँख वाँख पूरी ब्रूस्ड थी और उन्होंने ये कहा कि मेरे भाई ने मेरा भाई उनके साथ सोया था रात को और मेरे भाई ने रात कोट के उनको अटैक किया और वो अटैक इतना ब्रूटल था कि ही वॉज़ रियली पावरफुल एट दैट टाइम और मेरे अब्बा ने उसको दो तीन दफ़ा धक्के दिए और हटाया और वो बिल्कुल उनका गला दबा रहा था और उनके ऊपर चढ़ा हुआ था मेरा भाई और इवेंचुअली पापा ने उसको दो थप्पड़ लगाए मुंह पे और उसको जाके वॉशरूम में मुंह धुलाया तो उसकी आँख खुली और उसको कुछ भी नहीं था बता वो क्या कर रहा है खैर सो गया वो ये उस वक्त आई ओपनर होना चाहिए था पापा के लिए अगेन माई डैड ही वॉज स्लीपिंग एंड स्लीप वॉकिंग और वट एवर ही वॉज डूइंग एक और इंसिडेंट ये हुआ था कि मेरी बहन सो रही थी और अगेन मेरा भाई आ, मेरी बहन की आँख खुली तो मेरा भाई बिल्कुल मेरी बहन के बिल्कुल बेड साइड पर बैठा हुआ था और बिल्कुल उसके मुंह में घुसकर उसको सिर्फ स्टेयर कर रहा था और मेरी बहन बहुत डर गई उसने उसको धक्का दिया और इवेंचुअली वो उठ के स्लीप वॉक करता हुआ अपने रूम में जाके सो गया एक और चीज़ हुई थी ये मम्मा के साथ हुई थी जो मुझे याद है उन्होंने मेंशन की थी कि मेरी अम्मी ने खाना मतलब बहुत बड़ा किचन था कोई हेल्पर नहीं था उस वक्त उनके पास तो फ़िश बनानी थी उन्होंने तो उन्होंने फ़िश निकाली Uh, तकरीबन तीन चार किलो फिश थी और एक पैन में डाली पैन नहीं एक पतीली टाइप की चीज़ तस्ला जिसे कहते हैं हम जिसमें आटा गूंदा जाता है तस्ले में निकाली वॉश की और स्लैब पे रखी स्लैब पे रखी वो मुड़ी और उन्होंने स्टोव ऑन उन किया और जब वो वापस मुड़ी तो वो तस्ला नहीं था दैट तस्ला शी कुड नेवर एवर एवर फाइंड एनी इन द हाउस एक रात मुझे याद है कि बहुत आ, बारिश हो रही थी और मेरा भाई घर पे नहीं था या मेरे मेरे ख्याल से मैं थी मेरा भाई कहीं शायद गया हुआ था उसने आना था और लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और रात का टाइम था कोई आठ नौ दस बजे होंगे और तेज़ बारिश हो रही थी तो हमारा आ, कुछ ऐसा था कि हॉल था कॉरिडोर था और कॉरिडोर के जैसे मैंने आपको बताया कॉरिडोर में एक ग्रिल लगी होती थी जिसके थ्रू आप बड़ा क्लियरली आयरन ग्रिल थी जिसके बाहर आप देख सकते थे कि सहन है तो जो ग्रिल थी उससे कोई भी वायर अटैच्ड नहीं थी इट वाज जस्ट अ ग्रिल लाइक अ गेट जैसे गेट्स होते हैं हमारे ग्रिल के गेट होते हैं सो आई वाज देयर एंड व्हाट हैपन वाज कि अच्छा अब क्योंकि लाइट चली गई लाइट चली गई तो मैं उठी मैंने जल्दी से जाके कब्ज से टॉर्च निकाली टॉर्च में मैंने सेल डाले और सेल डालकर मैं हॉल से वॉक करती हुई जब मैंने देखा तो जो हमारे सहन का दरवाज़ा है ग्रिल का बहुत बड़ा सा दरवाज़ा था वो खुला हुआ था तो वो मुझे लगा थोड़ा अनसेफ है इसको बंद कर दूं आप यकीन करें मैं आगे बढ़ी मैंने अभी ग्रिल को हाथ भी नहीं लगाया था कि किसी ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं उड़ती हुई लिटरली जिस तरह टू बी ऑनेस्ट जो हॉरर मूवीज़ में लोग देखते हैं आप उस ज़माने में भी जो देखते थे इट्स एक्चुअली रियल एंड आई हैव गॉन थ्रू दैट सो आई फ्लू आई फ्लू अक्रॉस द कॉरिडोर एंड आई वेंट एंड फेल इन द डाइनिंग हॉल आप कह सकते हो कि मैं मैं हवा में उड़ी हूँ और तकरीबन मैं थर्टीन फिफ्टीन फीट दूर जाके गिरी हूँ और इतनी जोर से मैं गिरी और जब मुझे हवा में उठा के फेंका तो उस चीज़ ने बहुत जोर से ग्राउल किया व्हाट एवर इट वॉज इट ग्राउल्ड एट मी आई डिड नॉट सी इट but this time i heard it and it was a huge growl like an animal aur jab main giri hu to mujhe bahut zor ki chot lagi aur meri torch toot gayi usme se cell nikal gaya but i realized ki now is the time that it can touch me and it's attacking me अच्छा और एक और बात जब मैं गिरी हूँ तो जब मैं उठी फ़ौरन ही उड़ गई थी मैं लेकिन इन सेंस खड़ी नहीं हुई थी लेकिन मैं उठ के देख सकती थी ग्रिल की तरफ तो पूरी ग्रिल में आप कह सकते हो कि फिफ्टी थर्टी सेकेंड्स के लिए आ, पूरी ग्रिल में से आप कह सकते जैसे आग निकल रही होती है आग चिंगारियाँ पूरी ग्रिल में से चिंगारियां निकल रही थी इतना ज्यादा इम्पैक्ट था उसका एंड लाइक आई सेड देर वॉज नो वायर attached to that grill तो ये बड़ी अजीब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टॉर्मेंटिंग बात थी सो दिस नाइट अगेन आई वॉज अ मेरी अम्मी गई हुई थी और मेरा भाई भी घर पे नहीं था सिर्फ मैं थी और हुआ ये कि मैं um, अच्छा क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता था मुझे सेंस था कि ये अगेन क्योंकि इसको पता मैं अकेली हूँ तो इसने तो मुझे टॉर्चर तो करना है तो मैंने क्या किया, किया कि मैं घर से निकली एंड आई जस्ट वेंट सम आई वेंट टू तारेक रोड अकेली बच्ची और मैं घूमती रही तारेक रोड में क्योंकि वो जाती रहती थी मामा के साथ तो मुझे पता था कौन सी बस जाती है क्या लेना होता है ये वो घूमती रही घूम फिर के मैं वापस आ गई वापस आई अब मैं दोबारा ड्रेड कर रही हूँ एंटर होते ही मुझे फीलिंग आ गई थी कि बस अब मुसीबत फिर शुरू होने वाली है खैर वही मेरा वही डिफेंस था मेकेनिज़म के इग्नोर डॉट कॉम सो दैट्स इवेंचुअली सारी रात जागती रही तीन बजे मुझे भूख लगी मैं तो उठी मैंने उठ के किचन में गई और किचन में मैंने ओके दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सो आई वेंट टू द किचन नहीं आई वेंट टू द फ्रिज फर्स्ट आई ओपन द फ्रिज और फ्रिज में से मैंने एग्स निकाले दो और ब्रेड निकाला और मैं ला के मैंने अपने स्लैब पे रखे और मैंने स्टोव जलाया स्टोव जलाने के बाद जब मैं मुड़ी हूँ तो मेरी ब्रेड और एग्स वहाँ नहीं थे मैंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया आई वॉज आई वॉज नॉट इवन सरप्राइज आई वेंट बैक टू द किचन सॉरी टू द फ्रिज एंड आई टू गेट आउट अगैन इट वॉज अगेन इन द फ्रिज एनी वे आई टू गेट आउट आई वॉज लाइक इट इज अच्छा अब ना मेरी बस हो चुकी थी और मुझे गुस्सा आ रहा था आई वॉज लाइक ठीक है भाई अब निकाला मैंने आराम से बनाया किचन में ही खड़े हो के मैंने खाना खाया अपना उसके बाद मैंने डिशेस वॉश करने लगी मैं अच्छा जब मैंने डिशेस वॉश की तो जब मैं वॉश रही हूँ तो वही चीज एक्जैक्टली मेरे सर पे आगे खड़ी हो गई मैंने स्टार्ट टू मी इट विस्पर्ड एंड एंड इवेंचुअली मैं वॉश कर रही हूँ और उसकी विस्पर्स बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है अच्छा कभी भी आई कुड नेवर अंडरस्टैंड वॉट इट वॉज सेंग मी इट वॉज जस्ट विस्परिंग एंड दैट वॉज द टाइम मिनॉज आई हैड इट सो वट आई इट वॉज आई स्लैम द बॉडी कॉल द प्लेट इन दैट सिंक मैं उसको फेंका लिटरली एंड आई टर्न अराउंड एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई टेन ईयर्स

तुम्हे अल्लाह का वास्ता है कि तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ मेरा पीछा छोड़ दो यू अभी मुझे गूज सो रहे यू वोंट बिलीव अल्हम्दुलिल्लाह 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 द मोमेंट आई सेड इट द मोमेंट आई सेड इट पूरे घर की फीलिंग ही बदल गई द होल हाउस वेंट इनटू अ काम सिचुएशन बिल्कुल कामनेस हो गई पूरे घर में और मुझे लगा दफा लगा कि मैं सांस ले सकती हूं वॉज वेरी स्ट्रेंज